किसान भाइयों, स्वराज 735 FE इस ट्रैक्टर का आज माइलेज टेस्ट करेंगे। कई सारे भाइयों के कमेंट थे कि भाई एक बार स्वराज का भी माइलेज टेस्ट करो 735 FE का। तो इस ट्रैक्टर का आज एवरेज टेस्ट करेंगे कि ये ट्रैक्टर क्या तेल लेता है। 9 हल वाली कल्टीवेटर के साथ में 13 के टायर में ये ट्रैक्टर है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टंकी हमने कर दी है बिल्कुल फुल, टंकी फुल कर दी है। और ये है लास्ट में डालने के लिए बोतल, तो इस माप से हम डालेंगे। और कई सारे भाइयों के मुंह से सुना था कि भाई स्वराज जो है वो तेल का कुआं आता है, तो आज हकीकत में देख लेते हैं। तो भाई 6 मिनट के लिए हम चलाएंगे। कर भाई स्टार्ट इसको ढक्कन बंद करके। कर स्टार्ट। एक मिनट कर दे, एक मिनट 8 सेकंड पे मान लो कि स्टार्ट किया है। और लोड के साथ में चलाएंगे, ऐसा भी नहीं है कि धीरे धीरे चलाएंगे। जो भी है वो एक मीडियम वर्ग का किसान चलाता है, उस हिसाब से ट्रैक्टर को चला के देखेंगे। ये अभी हाई के फर्स्ट गियर के साथ में है, फिर इसका लोड ऑफ भी चेक करेंगे। अशोक थोड़ा दबा के चला, थोड़ा दबा के चला, कोई बात नहीं। जो भी है वो हकीकत दिखाना है हमें। स्वराज 735 FE कितने RPM, कितने 1500-1600 रख, 1500-1600 रख। तेरा के टायर के साथ में स्वराज, काफी टाइम से इस ट्रैक्टर का एवरेज निकालने का बाकी था। कई सारे भाइयों के कमेंट थे। नो हल वाली कल्टीवेटर है इसके पीछे। तीन मिनट यानी कि 2 मिनट ही हुए अभी तो। अभी हाई के फर्स्ट गियर में चल रहा है, फिर लो टॉप में भी चला के देख लेंगे कि लो के गियर में इसका कितना एवरेज बैठता है। अगर हम इस ज़मीन के बारे में बात करें तो ये मीडियम ज़मीन होती है, ज़्यादा कड़क भी नहीं है और ज़्यादा नॉर्मल भी नहीं है। इसके अंदर जैसे भी ट्रैक्टर को अगर दबाते हैं, ज़्यादा लोड ज़्यादा देते हैं, तो सिर्फ स्लिप ही निकालता है।
यानी कि 4 मिनट हुए हैं, अभी 2 मिनट और चलाना है। बोतल साथ रख, बोतल जो माप वाली बोतल है वो साथ में रख भाई। काफी टाइम से इस ट्रैक्टर का एवरेज निकालने का बाकी था, कई सारे भाइयों के कमेंट आए थे कि भाई 735 का कब निकालोगे, तो आज स्पेशली इस ट्रैक्टर के लिए फ्री हुए हम। अभी कुछ और ट्रैक्टर भी लाइन में है जिनका एवरेज निकालने का है, जैसे मैसी का 1035 गोल शेप वाला है, 39 हॉर्स पावर वाला जो मैसी है उसका भी है, महिंद्रा का जो एक 575 है इसका नया टेस्ट निकालने का है तो वो भी निकाल लेंगे। चलना दे, डीजल हमने थोड़ा सा हिला के डाला है इसके अंदर। बस टाइम पूरा होने वाला है, अभी जस्ट 10 सेकंड रहे हैं। अशोक ओए रोक दे, बस ऐसे तो बस बंद कर दे। ला डीजल ला, तो खोल इसको। नहीं खोल इसको, ला भाई बदल ला तरत। एक मिनट रुक जा, कितना लिया है। लिया है थोड़ा, डाल रुक जा एक मिनट, मैं इधर आता हूँ। एक मिनट नीचे आना भाई साहब, नीचे आओ भाइयों। जो ये जो बोतल है वो स्पेशली हमने डीजल के लिए बनाई थी, जैसे मार्केट के अंदर से जो आते हैं बने हुए उसमें ये होता है कि उसके अलग अलग, जैसे पानी का है, दूध का है, ऐसे अलग अलग लीटर बनते हैं, तो डीजल के हिसाब से हमने इसको नाप के बनाया हुआ है 100 ml के हिसाब से। तो अभी डालेंगे, डाल भाई। स्वराज का भी बता दो, चलो जैसे नहीं नहीं ऐसे डाल, धीरे धीरे कोई बात नहीं। डाल जितना फुल किया था उतना कर, फुल किया था हमने पूरा। रुक जा थोड़ा हिलाते हैं। डाल अभी आ रहा है, हिल रहा है नहीं, बस हो गया, इतना हिलाया था ना अपने, ठीक है ना। ये यहाँ पे रखता एक मिनट, ये हो गई अपनी फुल, जितनी पहले की थी इतनी अभी है। और इसके अंदर इसने लिया है 100, 200, 300, 400 से थोड़ा सा ऊपर है, मतलब 20 ml जितना, ठीक है ना। तो 4 लीटर 200 ग्राम जितना इसका एवरेज बैठता है एक घंटे का, जो कि भाई बता रहा था पहले ही कि ये 4 लीटर के आसपास में ही लेता है। इसने काफ़ी बार निकाला था, लेकिन जो भी था वो डाउट एक बार क्लियर हो चुका है कि भाई स्वराज जो तेल का कुआ, ऐसे हमने इसी ज़मीन पर और ट्रैक्टरों का इसी कल्टीवेटर के साथ में निकाला था, तो इतना ही लगभग इतना ही एवरेज बैठता है, 4.5-4 लीटर जितना कहीं ट्रैक्टर का बैठा है। जैसे हमने मैसी का भी निकाला था तो वो भी 4 लीटर के आसपास में बैठा था, सेम है स्वराज का भी, ज़्यादा नहीं है, ठीक है ना। और जो भी है वो यहाँ पर हमने सही पहले किया था वैसा ही किया है। तो ये था स्वराज 735 FE का, H1 में था ना, हाई के फर्स्ट गियर में इसका माइलेज टेस्ट था 1500 से 1600 RPM पर। अभी निकालेंगे लो के टॉप में,
ताकि लो गियर का भी पता चले कि क्या क्या डिफरेंस रहता है, ठीक है ना। तो भाई अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और भाई के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, यहाँ पर आपको सही जानकारी मिलती रहेगी। धन्यवाद, जय जवान जय किसान, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद जय भारत।